दोस्तों कहते हैं ना कि लव इज ब्लाइंड। दोस्तों बॉलीवुड इंडस्ट्री में यूं तो कई सारे खूबसूरत कपल मौजूद हैं, लेकिन वहीं कई कपल्स ऐसे भी हैं जिन्हें देखकर ये कहा जाता है कि वाकई प्यार अंधा है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के कुछ ऐसे मिसमैच कपल्स के बारे में बताने वाले हैं और आप भी इन कपल्स के बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। कैटरीना कैफ एंड विक्की कौशल। दोस्तों जहां कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी बॉलीवुड की मोस्ट एक्सपेंसिव और लग्जरियस शादी थी, वहीं लोगों का ये भी कहना था कि कैटरीना और विक्की कौशल का कपल मिसमैच कपल है और इसकी सबसे बड़ी वजह इनका एज गैप है, क्योंकि कैटरीना विक्की कौशल से 5 साल बड़ी है। और लोगों का ये भी कहना था कि कैटरीना कैफ को सलमान खान के साथ शादी कर लेनी चाहिए थी, ऐश्वर्या राय बच्चन एंड अभिषेक बच्चन। दोस्तों लोगों का कहना था कि ऐश्वर्या राय और अभिषेक बॉलीवुड के मिसमैच कपल हैं, क्योंकि कहां मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय और कहां बॉलीवुड के फ्लॉप एक्टर रह चुके अभिषेक बच्चन, और इसी वजह से लोग इन्हें मिसमैच कपल बुलाते हैं। मलाइका अरोड़ा एंड अर्जुन कपूर। दोस्तों अगला नाम आता है मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर का, जो काफी समय से लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। और ऐसे में कहा जा रहा है कि जहां मलाइका अरोड़ा इतनी फिट और गॉर्जियस हैं, लेकिन उनके चेहरे पर झुर्रियां साफ नजर आती हैं, तो वहीं अर्जुन कपूर अभी यंग हैं लेकिन अपनी फिटनेस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। और जब मलाइका अरोड़ा अर्जुन कपूर के साथ चलती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे मलाइका अरोड़ा के साथ उनका हट्टा खट्टा बॉडीगार्ड चल रहा है और लोग खूब उन पर हंसते भी हैं और उन्हें मिसमैच कपल कहते हैं। आदित्य चोपड़ा एंड नरगिस फकरी। दोस्तों कुछ कपल्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत जल्द जान लेते हैं कि हम मिसमैच कपल हैं और हमारी कुछ एक साथ ज्यादा जमेगी नहीं, और ऐसा ही एक बॉलीवुड कपल है उदय चोपड़ा और नरगिस फकरी का। इन दोनों ने अपनी डेटिंग की खबरों को हमेशा ही छुपा के रखने की कोशिश की, लेकिन फिर भी इनकी डेटिंग की खबरें सामने आने लगी और धीरे धीरे ये दोनों भी जानने लगे कि इन दोनों की एक साथ जमेगी नहीं, और साथ ही साथ उदय चोपड़ा का भी बुढ़ापा बढ़ता जा रहा है, तो वहीं नरगिस फकरी और भी ज्यादा यंग और खूबसूरत नजर आने लगी हैं, और ये कपल भी मिसमैच कपल की लिस्ट में शामिल है। जैकलिन फर्नांडिस एंड साजिद अली खान। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों का लव अफेयर चल रहा था, जहाँ जैकलिन इतनी यंग और ब्यूटीफुल नजर आती हैं, तो वहीं साजिद खान हमेशा से अनफिट नजर आते हैं। ऐसे में दोनों को लेकर खूब मजाक भी बनाया जाता है और इन्हें भी मिसमैच कपल की लिस्ट में शामिल किया जाता है। और देखिए दोस्तों, ये मिसमैच कपल भी आखिर अलग हो गए, क्योंकि इन दोनों को भी पता चल गया कि ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं। रानी मुखर्जी एंड आदित्य चोपड़ा। दोस्तों बॉलीवुड इंडस्ट्री की कई एक्ट्रेसेस का भी नाम बदनाम हो चुका है कि उन्होंने पैसा देखकर यूं ही शादी कर ली। ऐसे में रानी मुखर्जी का भी इस चीज को लेकर नाम बदनाम हुआ और उसका मिसमैच कपल बना है आदित्य चोपड़ा के साथ। रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा को एक साथ देखकर हर कोई हंसने लग जाता है, क्योंकि जमीन आसमान का फर्क है इन दोनों के बीच में। जहां आदित्य चोपड़ा इतने बूढ़े दिखते हैं, तो वहीं रानी मुखर्जी अभी भी काफी ज्यादा जवान हैं। ऐसे ही एक कपल था श्रीदेवी और बोनी कपूर का। श्रीदेवी ने बोनी कपूर की पहली शादी तुड़वाकर उनके साथ शादी की थी, लेकिन लोगों ने जब इन दोनों को साथ देखा तो हर किसी ने यही कहा कि ये दोनों मिसमैच कपल हैं, और ऐसा लगता था कि जैसे श्रीदेवी अपने पिता के साथ चल रही हैं। फरहान अख्तर एंड शिबानी डेंडेकर। ये दोनों कुछ ही समय पहले एक दूसरे के साथ नजर आए और इनकी डेटिंग की भी खबरें सामने आने लगी। यहाँ पर भी इन दोनों पर मजाक बनने लगे कि फरहान तो अपनी पहली पत्नी को छोड़ चुके हैं और अब शिबानी डेंडेकर को डेट कर रहे हैं, जो खूबसूरती में नंबर 1 और टॉप की मॉडल हैं, और वहीं फरहान अख्तर बूढ़े होते जा रहे हैं, और ऐसे में इन दोनों को भी मिसमैच कपल की लिस्ट में शामिल किया जाता है। ट्यूलिप जोशी एंड विनोद नैयर। दोस्तों सबसे फनी मिसमैच कपल ट्यूलिप जोशी और विनोद नैयर का है। विनोद अपनी पतली ट्यूलिप से हाइट में छोटे हैं और खूबसूरती के मामले में तो इनको बिल्कुल जीरो कहा जाता है। आप इनकी पिक्चर्स में साफ देख सकते हैं कि ये कपल बिल्कुल मिसमैच कपल है। तो दोस्तों ये थे बॉलीवुड के कुछ मिसमैच कपल्स। आपको इनमें से कौन सा कपल सबसे ज्यादा मिसमैच लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को कर दें लाइक, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक पे चाहते हैं।